अब देखो, अब जो इसके आगे है इसमें बाकी बचे हुए काम कैसे करना है, सुनाई दे रहा है? ये हॉल है, हमारे जेड एक्सिस की डायरेक्शन इधर है, लेकिन ये इसका हॉल क्या है, ये अलग एंगल पे है, ठीक है, इससे 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये हॉल भी ऐसे है, इससे 90 डिग्री हो गया। तो उसके लिए क्या करना है कि एक और कोऑर्डिनेट इसमें बनाना पड़ेगा। देखो तो दूसरा कोऑर्डिनेट कैसे बनाना है, यहाँ से कोऑर्डिनेट पे जाओ, कोऑर्डिनेट मैनेजर को ओपन करो और यहाँ से ऐड कोऑर्डिनेट करेंगे। ऐड कोऑर्डिनेट करने के बाद अगला जो कोऑर्डिनेट, मेन कोऑर्डिनेट के बाद जो भी कोऑर्डिनेट बनाएंगे वो क्या लेंगे, हैश वन, यहाँ से हैश वन का ऑप्शन आएगा नीचे, ठीक है। तो जैसे ही हैश वन पे लेंगे, ऑप्शन लेंगे, उसके बाद जिधर भी कोऑर्डिनेट बनाना है उधर क्लिक कर देना है, जेड एक्सिस उसी डायरेक्शन में घूम जाएगा ऑटोमेटिक। देखो जेड एक्सिस ऊपर आ गया, इसके ऊपर जिधर मैंने क्लिक किया था। अब क्या है, फ्लिप अराउंड जेड करेंगे और यहां से इसको घुमा लेंगे, ठीक है। अब देखो जेड भी घूम गया, एक्स भी सही हो गया, वाई भी सही हो गया, ओके कर देंगे। अब हम इधर काम कर सकते हैं, जिधर हमारे जेड एक्सिस की कोऑर्डिनेट हो उधर ही हम काम करना होगा इंडेक्सिंग में, ठीक है। तुम्हारा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है फिर भाई, यहां पे कुछ दिक्कत नहीं है। उधर क्यों नहीं दिख रहा है, यहां पे तो दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, दूसरा कोई कोऑर्डिनेट नहीं यहां पे। अब वही दिख रहा है तुम्हारा पे, स्पीड वो स्लो होगा तुम्हारा, अभी रुक जाओ थोड़ी देर में पहुंचेगा उसके, अभी भी नहीं दिख रहा है। हाँ, ये जेड एक्सिस के डायरेक्शन अलग हो रखा है ना, इसमें अलग है ना, नहीं दिख रहा है। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, जेड एक्सिस के डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, जिधर जेड एक्सिस की डायरेक्शन होगी उधर ही काम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बन गया मैक वन पोजिशन टू, दिख रहा है ना, 1-2 लिख क्या रहा है। हाँ, इसका मतलब हम इस पे काम कर सकते हैं, हम अभी इस पे काम नहीं कर सकते हैं, या हम इधर काम नहीं कर सकते हैं अभी, ठीक है। हाँ तो इसके लिए अब देखो यहाँ पे दोबारा क्या करना, डेलिंग करना, डेलिंग ले लो, यहाँ से डेलिंग ऑपरेशन सेलेक्ट करो, यहाँ से यहाँ पे देखो, अब डेलिंग हमें इधर करना है ना इस फेस पे। तो इसके लिए कौन सा कोऑर्डिनेट था, मैक वन पोजिशन टू था, यहाँ भी क्या है, यहाँ पे आ रहा है मैक वन पोजिशन वन आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो हम इस पे कोऑर्डिनेट को यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो दूसरा कोऑर्डिनेट आ रहा है, इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ से सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पे ज्योमेट्री पे जाएंगे, ये हॉल सेलेक्ट हो जाएंगे इसमें, ठीक है, जितने का भी ड्रिल करना है तीनों ज्योमेट्री आ गई। इसके बाद टूल ले लो यहाँ से, ड्रिल लो यहाँ से, ठीक है, जितने का ड्रिल है, मान लो कितने का है, 6.8 का है क्या, आठ का है, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे 8 का ड्रिल सेलेक्ट कर लेते हैं। लेवल, अब इसका जो अपर लेवल होगा कहाँ, यहां तक तो हमारा फ्लैट कट गया है, तो इसका अपर लेवल कहाँ हो जाएगा, इस पे हो जाएगा, इस फेस पे, ठीक है। और इसकी जो डेल डेप्थ होगी वो कहाँ तक जाना है, डेल डेप्थ दिखा दो इसको, यहाँ तक, ठीक है। टेक्नोलॉजी में G81 G83 जो भी करना है वो सिलेक्ट कर लो, यहाँ से डाटा डाल दो, ठीक है, सेव एंड कैलकुलेट, ड्रिलिंग का ही प्रोग्राम हो गया, ठीक है। अब देखो एक कोऑर्डिनेट उधर था, इस वाले कोऑर्डिनेट पे अलग काम हुआ है,
क्लियर है। पहला देखो, पहले आप शुरू से प्रोग्राम चला रहे हैं, वेरीफाई करो। अभी चल गया। अब देखो, अब दूसरे कोऑर्डिनेट पे आया, 180 डिग्री घूम जाएगा, सॉरी 90 डिग्री घूमेगा। जब इसका प्रोग्राम निकालेंगे तो उसमें ए 90 घूम के आएगा, ठीक है ना। अब इधर से काम करना है तो इधर से काम हो जाएगा, इधर से के लिए एक और कोऑर्डिनेट अलग बनाएंगे और उसको फिर उसको सेलेक्ट करके इधर काम कर लेंगे। क्लियर है। प्रोफाइल ऑफ रसल ये पहले कोऑर्डिनेट बना लाए, इसको वैसे ही बनाना जैसे अभी बनाया। दोबारा ओपन करते हैं कोऑर्डिनेट मैनेजर, इसको ऐड कोऑर्डिनेट करेंगे। अब जो कोऑर्डिनेट बनेगा मैक 1 पोजिशन 3 बनेगा, ठीक है। ये भी हैश 1 में लेंगे, यहां से हैश 1 सिलेक्ट रहेगा, इस हॉल के अंदर क्लिक कर देंगे या इसके फेस के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। बन गया, इधर जेड ऊपर आ गया ना, फ्लिप अराउंड जेड कर देंगे, ओके कर देंगे। एक कोऑर्डिनेट और इधर ऐड हो गया, 1 2 3 तीन कोऑर्डिनेट हो गया ना। इसको भी प्रोफाइल ऑपरेशन से बना सकते हो। अब जो यहां पर सिलेक्ट करेंगे कोऑर्डिनेट 3, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट 3 पे काम करना है। ज्योमेट्री सिलेक्ट करो इधर से, टूल पे लाओ, और 10 कैड मिल लेते हैं। लेवल इसका अपर लेवल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इस लेवल पे। प्रोफाइल डेप्थ इसकी ये रहेगी। टेक्नोलॉजी इसमें क्या करते हैं, हेलिकल चला देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट फिनिश कर देंगे इसको। लिंक के अंदर इसको नन रख देते हैं, ठीक है। चलो राइट, यहां से रॉन्ग साइड में जा रहा है, इसको राइट कर देंगे, ठीक है। चलाओ के देखो इसको, ठीक है, ये भी बन गया। कोई डाउट, अब पूरा प्रोग्राम एक साथ चला के देख सकते हो यहां से। यहां से ऑपरेशन पे जाओ, राइट क्लिक, सिमुलेट, सारे को एक साथ चला लो।